दोस्तों आपने फिल्म बाहुबली तो जरूर देखी होगी, जिसमें बाहुबली बने प्रभास ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। पर इनसे ज्यादा लोगों ने इस फिल्म के विलेन भलाल देव को पसंद किया था, जो इनके मुकाबले काफी शक्तिशाली था और बाहुबली पर बहुत भारी पड़ा था। इस किरदार को जिस अभिनेता ने निभाया था, उन्होंने काफी अच्छे से इस किरदार को पर्दे पर उतारा था और अपने इस किरदार के साथ काफी प्रसिद्ध हो गए थे। लेकिन दोस्तों, आप भलाल देव का किरदार निभाने वाले अभिनेता के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ पत्नी के बारे में जानते हैं कि वह कौन है, क्या करती हैं और कैसी दिखती हैं? अगर आप भी इनकी पत्नी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, और साथ ही इस सुपरहिट फिल्म के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिल्म बाहुबली में भलाल देव का किरदार निभाने वाले अभिनेता का असली नाम राणा दागुपति है, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1984 को चेन्नई तमिलनाडु में हुआ था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद हाई स्कूल से की थी और चेन्नई फिल्म स्कूल से ग्रेजुएशन की। अगर बात करें इनके स्ट्रगल करियर के बारे में, तो घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण हमेशा से ही इन्हें फिल्मी दुनिया में रुचि रही है। केवल एक्टिंग में ही नहीं बल्कि फिल्म मेकिंग में भी। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉनिक इंस्टीट्यूट ऑफ इमेजिंग एंड टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी की बारीक तकनीकियों की जानकारी हासिल की। इसके बाद इन्होंने चेन्नई में कई डॉक्यूमेंट्रीज और विज्ञापनों का निर्माण किया। फिर चेन्नई से हैदराबाद आकर इन्होंने अपने पिता का प्रोडक्शन हाउस संभाला और यहाँ आकर इन्होंने अपने चाचा और पिता से आर्ट ऑफ क्राफ्ट, फिल्म मेकिंग से जुड़ी चीजों का ज्ञान अर्जित किया। और जब इन्हें फिल्म से जुड़ी सभी चीजों का ज्ञान हो गया, तो इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को शुरू करने के बारे में सोचा और इस तरह साल 2010 में तेलुगु फिल्म लीडर से अपने करियर की शुरुआत की, जिसमें इन्होंने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। इसके एक साल बाद इन्होंने फिल्म दम मारो दम से बॉलीवुड में एंट्री की। इस फिल्म में इन्होंने काफी अच्छा अभिनय किया। इनके इसी अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए साउथ के कई फिल्म निर्माता इनसे प्रभावित हुए और इन्हें अपनी फिल्म में काम करने के ऑफर दिए। इस तरह इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें रुद्रा माँ देवी, नैने राजू नैने मंत्री और इष्टम जैसी कई फिल्में शामिल है। वर्तमान में लॉकडाउन से पहले ये अपनी आने वाली फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग में व्यस्त थे, जिसे हिंदी के साथ साथ तमिल और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें इस दमदार अभिनेता की रियल लाइफ पत्नी के बारे में, तो आपको बता दें इन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, पर ये साउथ की जानी मानी एक्ट्रेस तृष्णा कृष्णा के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर बात करें इनकी लव स्टोरी की, तो ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और काफी पुराने दोस्त भी थे, इसलिए समय के साथ साथ इनकी दोस्ती गहरी होती चली गई और एक दिन इन्हें पता चला कि ये केवल दोस्त ही नहीं बल्कि ये उनके लिए कुछ और भी महसूस करते हैं। यह साइन था प्यार का, जिसे ये अच्छे से समझ चुके थे। फिर क्या था, इन्होंने उनसे अपने दिल की बात कह दी और कहीं ना कहीं तृष्णा भी इनके लिए कुछ महसूस करती थी, तो उन्होंने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। फिर इन्होंने काफी लंबे समय तक एक दूसरे को डेट किया। इन दोनों का रिश्ता इतना मजबूत हो चुका था कि लोगों को लगने लगा था कि ये दोनों शादी करेंगे, पर जल्द ही दोनों की ब्रेकअप की खबरें सामने आई और जब इनसे इस ब्रेकअप के बारे में पूछा गया, तो इसका जवाब इन्होंने दिया कि शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हैं, इसलिए रिश्ता आगे बढ़ाने से बेहतर है हम दोनों अलग हो जाएं। आपको बता दें कि इनसे पहले भी ये काजल अग्रवाल को डेट कर चुके हैं, पर इन दोनों का रिश्ता ज्यादा नहीं चला। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, राणा और तृष्णा कृष्णा अगर शादी करते तो इनकी जोड़ी कैसी लगती? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।